हेलो माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके डीएम्स पे और ऑन डिमांड पे आज मैं वो मास्क लेके आ गई हूँ जो आपने मुझसे पूछा था। कल रात में इतने सारे मैसेजेस मेरे आए कि मेरा पूरा मैसेज बॉक्स ओवरलोड हो गया कि यार पारुल, घर में फंक्शंस चल रहे हैं, घर में हल्दी चल रही है, घर में रिसेप्शन है, शादी है, भाई की शादी है, कोई ऐसा फेस मास्क बता दो जो हमारी स्किन आपकी तरह ग्लो करने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मेरी स्किन को, मेरी बातों को और मेरी DIYs को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए कि मैं आपके सामने बोलने में कॉन्फिडेंट फील करती हूँ और अपनी जो ऊपर अप्लाई करती हूँ वो आप लोगों के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली शेयर करती हूँ कि आपको भी 110% रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा मास्क मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ दोस्तों, जिससे आपको किसी भी फाउंडेशन की, किसी भी ब्लशर की, कोई हाइलाइटर की, कोई एक्स्ट्रा फेशियल की, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए, अगर आपने ये करके देख लिया ना तो शायद जितना मैं बोल रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़े। मैं आपको बताती हूँ, ये मास्क मुझे परसों शादी में जाना था, उससे पहले मैंने कम से कम 8 या 9 घंटे पहले मैं वो मास्क लगाया है और उसका रिजल्ट आज आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन आज भी फ्लफी है, आज भी प्लम्पी है। मतलब विदाउट एनी फाउंडेशन, विदाउट एनी मेकअप मैं आपके सामने शूट कर रही हूँ और माय स्किन यू कैन सी, मतलब आपका जो कहते हैं ना कि जो हाइलाइटेड एरियाज हैं वो पूरे हाइलाइट एरियाज आपके शाइनी रहते हैं, सुपर रहते हैं एंड विदाउट एनी टेस्ट। मतलब कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इट्स अ रॉ स्किन। तो इस रेसिपी में आपको क्या करना है, आपको लेने हैं चिया सीड्स। यस, वही चिया सीड्स जो हम बहुत सारे जिम रेट्स हैं, बहुत सारे फिगर कॉन्शियस हैं जो वो हम खाते हैं और शेक्स में और अपने स्मूदीज में बनाते हैं, आपको चिया सीड्स लेना है। चिया सीड्स के साथ आपकी स्किन पे जो भी सूटेबल हो, रॉ मिल्क हो या फिर गुलाब जल हो या फिर कोई भी पानी हो, सिंपल पानी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ DIYs के लिए, मैं बिस्लरी वाटर यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि वो पूरा फिल्टर्ड होता है। अगर आप रोज़ वाटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बिस्लरी से पूरा काम चला सकते हैं, आपका पूरा पूरा काम हो जाएगा। चिया सीड्स को आपको रात में उसी सोल्यूशन में भिगोना है जो सोल्यूशन आपकी स्किन के लिए सूटेबल है, वो चाहे गुलाब जल हो, वो सिंपल पानी हो, टैप का पानी आप ले सकते हैं या रॉ मिल्क हो। आप उसमें रात में वो चिया सीड्स भिगोएंगे और सुबह उठ के उसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आप इसका इतना महीन पेस्ट बना लेंगे कि वो आपकी स्किन पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। इस वाले मास्क को लगाने पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लगाएंगे आपको लाई डाउन होना है, आपको बैठना नहीं है, क्योंकि चिया सीड्स ना बहुत ज़्यादा, उसमें कहते हैं ना, उसका टेक्स्चर जो होता है बहुत ज़्यादा ग्रीसी होता है, तो वो आपकी स्किन से ड्रॉप आउट हो सकता है। आप इस मास्क को लगाइए सिंपल अपनी स्किन को क्लींस करने के बाद, जो क्लीन करेंगे वो सिंपल अपने फेस वॉश से क्लीन करने के बाद आप इसे लगाएंगे, उसके बाद आप अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएंगे। चिया सीड मास्क लगाने के बाद आपको कोई भी सोप अपनी स्किन पे कम से कम 12 घंटे तक नहीं लगाना है। सिंपल मास्क की रेसिपी है, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, आप जो थोड़ा सा बीबी और डीडी क्रीम यूज करते हैं आप वो कर सकते हैं और आप देखिएगा कि वहां पे आपको इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं ना कि सब लोग पूछेंगे यार अपने फेस पे फेशियल कौन सा करवाया। लेकिन आप उनके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि जितने लोग हम भला करेंगे हमारी स्किन उतनी ही अच्छी रहेगी। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे इस प्यारे से फॉर्मुलेशन को, प्यारे से प्रोडक्ट को आप प्यार देना ना बिल्कुल बंद मत करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनसे फ़ायदा मिल रहा है, मैं चाहूँगी कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आएँ और उसकी आपको जितने भी बेनिफिट्स मिले आप वहाँ पे शेयर करें, जिससे कि और लोगों को ट्रस्ट हो और सब इस फॉर्मुलेशन का फ़ायदा उठा सके। बने से रहिए मेरे साथ मेरे पेज पर, इट्स वकेश ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब इट एट द बेल आइकन।